तो आपको लास्ट क्लास में बताया गया था कि मुग्धर को आपको उठाना कैसे है, आपकी हैंड की पोजीशन क्या होगी, कमर की पोजीशन क्या होगी, चेस्ट की पोजीशन क्या होगी और क्या क्या आपको बातें ध्यान में रखनी है। और आपको बताया गया था आपको उसको प्रैक्टिस भी करनी है। तो आइए आज हम पहले उसकी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि हमने पिछली क्लास में प्रैक्टिस करना सीखा, उसकी प्रैक्टिस करेंगे आज। 5 बार इस मुग्धर को उठाएंगे, किस तरीके से उठाते हैं तो आप देखें। दोनों हाथ से बाइसेप्स की एक्सरसाइज किस तरीके से करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि मुग्धर आप अपने सामने रख लें, फिर अपने मुग्धर को पकड़ें। अच्छा, पकड़ना कैसे है? इसमें ना आपकी जो हैंड है वो अल्टरनेट चलते हैं, मतलब कभी आपका जो सीधा हाथ है वो ऊपर रहेगा, कभी आपका जो उल्टा हाथ है वो ऊपर रहेगा, कभी आपका जो सीधा हाथ है वो नीचे रहेगा और कभी आपका जो उल्टा हाथ है वो नीचे रहेगा, मतलब आपके हैंड चेंज होते रहते हैं। रीज़न ये है कि अभी आपको पहले करके दिखाते हैं फिर बताते हैं आखिर रीज़न क्या। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपका जो मुग्धर है उसको अपने आप पैरों से थोड़ा दूर रख लें। फिर आपको क्या करना है, अपने मुग्धर को पकड़ें। पकड़ना किस तरीके से, वो पकड़ दिखाएं। ये जो आप देख रहे हैं अपना सीधा हाथ है वो रखें ऊपर की तरफ, जो आपका हैंडल है यहाँ रख के अपना सीधा हाथ, और जो आपका उल्टा हाथ है वो आएगा आपका नीचे की तरफ। फिर इसको उठा लें। अब उठाने के बाद जैसे आप दिखाओ बाइसेप्स करते हैं, इसको इस तरीके से खींचें, ये इस तरीके से आपका आएगा। पहले अपने आप केवल हैंड की पोजीशन को देखें, अभी आपको ये बताया जाएगा आपकी कोहनी की पोजीशन क्या होती है और आपकी हाथों की पोजीशन क्या होती है, मतलब कलाई की पोजीशन। तो आप रख दें, पहले आपने देखा जो आपका हैंड है, जो आपका राइट हैंड है वो आएगा ऊपर की तरफ और जो आपका लेफ्ट हैंड है वो आएगा नीचे की तरफ। फिर जब आप इससे कर लें, मतलब आप 10 रिपीटेशन करते हैं, 20 रिपीटेशन करते हैं, फिर आप जब दोबारा करेंगे तो आपको अपने हैंड चेंज कर देने हैं। जो आपका राइट हैंड है अब वो आएगा नीचे की तरफ और जो आपका लेफ्ट हैंड है वो आएगा आपका ऊपर की तरफ। अब आप फिर करें, देखें इसको, अब आपके हैंड चेंज हो चुके हैं, जो राइट ऊपर था वो आ गया अब नीचे और जो लेफ्ट नीचे था वो आ गया अपने आप ऊपर। बस आप रख दें। अब आते हैं कि जो कोहनी की पोजीशन है, जब आप मुग्धर से इस तरीके से एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी कोहनी कैसी रहनी चाहिए, ये आपको दिखाएं। ये आप देख रहे हैं कि आपकी कोहनी है वो आपके जो कमर है उसी के साथ रहेगी, मतलब बहुत ज़्यादा हिलेगी नहीं कोहनी, कोहनी आपकी वहीं रहनी है। जब ऊपर लाओगे तो हल्की बहुत आगे आ सकती है, वरना आपकी कोहनी वहीं रहेगी। ऐसा नहीं है कि अपने आप कोहनी को बहुत ज़्यादा पीछे कर दें। अपने हाथ को आप इस तरीके से, ये इस तरीके से कर रहे हैं, ये जो आपकी ये बिल्कुल चीज़ फिक्स रहेगी, फिक्स बिल्कुल। तो आप एक बार इस साइड से भी कर दिखाएं। अब दोबारा देखें, जो आपका शोल्डर से लेकर कोहनी तक का हिस्सा ये आपका यहीं रहेगा, इसको बहुत ज़्यादा इधर तो ना करें। और अभी आप क्योंकि डबल हैंड से कर रहे हैं तो जो आपका रेंज ऑफ मोशन है वो थोड़ा कम रहता है, मतलब आपका मुग्धर केवल यहाँ से यहीं चलेगा, ना कि पीछे से बिल्कुल। वो आपका जब आता है, जब आपको सिंगल हैंड से करने की आदत हो जाती है, तो आपको जो रेंज ऑफ मोशन है वो चलता है आपका पूरा। तो ये हुई आपकी बाइसेप्स की एक्सरसाइज। तो आइए पहले हम शुरुआत से देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो आपका राइट हैंड है उसे आप रखें ऊपर की तरफ और जो आपका लेफ्ट हैंड आपका नीचे आएगा, राइट हैंड ऊपर की तरफ, मुग्धर को उठा के ऐसे करेंगे 10 बार। फिर जब आप 10 बार कर लें हैंड करने अपने चेंज, जो आपका राइट हैंड है अब वो आएगा नीचे की तरफ और जो लेफ्ट हैंड है वो आएगा ऊपर की तरफ। अब इससे करें आप जो भी अपना रिपीटेशन करते हैं 10-15, वो भी आपको चार्ट दे दिया जाएगा। कोहनी की पोजीशन आप जान चुके हैं या कुछ कोहनी है, मतलब जो आपका शोल्डर से लेकर कोहनी तक का हिस्सा है वो आपका स्टेबल रहेगा। ये ध्यान रखें जितने रिपीटेशन आप परफॉर्म करते हैं वो आपको दोनों तरफ से सेम ही करने हैं, मतलब अभी आपका राइट हैंड ऊपर है और आपने इसे करा 10, और जब आपका लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ आएगा तो तब भी आपको 10 ही करने हैं। कभी कभार ये भी रहता है कि मान लीजिए आपका लेफ्ट हैंड, मतलब आपका डोमिनेंट हैंड है वो राइट हैंड है और लेफ्ट हैंड आपका डोमिनेंट नहीं है, तो एक दो रिपीटेशन का फर्क पड़ सकता है, तो उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसे आपको अभी बताया गया था कि आखिर क्यों हमें हैंड चेंज करने हैं, आइए उसके एग्जांपल भी हम आते हैं। तो अगर आप मुग्धर करेंगे तो आपका जो पहला डोमिनेंट हैंड है या फिर राइट हैंड वो नीचे रहेगा और आपका जो डोमिनेंट हैंड नहीं है वो रहेगा ऊपर, आपका रिपीटेशन। तो वो क्या लग रहा है आपका, कौन सा हैंड इस वक्त ज़्यादा मुग्धर का लोड ले रहा है? ये जो डोमिनेट हैंड होता है राइट हैंड है मेरा, तो वो
मुग्धर को लिफ्ट करता है। हाँ। ये सपोर्टेड हैंड होता है, लेफ्ट वाला जो होता है वो सपोर्ट करेगा। बिल्कुल। और अगर हम दोनों हाथों को चेंज कर दें, चेंज करेंगे हम, अब नीचे वाला हाथ नीचे पर बनाएं, जैसे कि हमने चेंज करा जी, तो अब सपोर्टेड हो गया हमारा राइट हैंड, लेफ्ट हैंड हमारा वर्क कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कुल मिला वर्क करेगा तो बैलेंस रहेगा। बिल्कुल, मतलब कुल मिला के ये बात है कि जो हाथ आपका नीचा है वो ज़्यादा एक्टिव रहता है और जो ऊपर है वो उसको सपोर्ट देता है। जैसे कि ये राइट हैंड नीचे है ना, आपने पैर राइट हैंड नीचे रखा और लेफ्ट से आपने इसको उठाया, ये इस तरीके से। तो आप जब उसको रिपीटेशन लेंगे तो इस वक्त जो आपका जो मेन जो लोड ले रहा है वो आपका ले रहा है राइट हैंड, जो हाथ नीचे है इस वक्त राइट नीचे, तो राइट आपका वो ले रहा है लोड। और जो आपका इस वक्त, तो इसमें क्या है, इस वक्त आपकी राइट की जो बाइसेप्स है वो ज़्यादा कहीं ना कहीं वर्क कर रही होगी। और अगर हम इसमें लेफ्ट नीचे कर दें तो जो आपकी लेफ्ट की बाइसेप्स है, जो आपकी लेफ्ट की बाइसेप्स की मसल होती है, अब वो ज़्यादा वर्क कर रही है, राइट उसको सपोर्ट दे रहा है। तो इसलिए कि आपको बताया गया था जो आपको हैंड चेंज करने हैं वो क्यों करने हैं। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ी बात ये भी ध्यान रखने वाली होती है कि जो आपका डोमिनेंट हैंड है वो चाहे ऊपर हो चाहे वो नीचे हो, वो कहीं ना कहीं एज़ कम्पेयर टू जो आपका नॉन डोमिनेंट हैंड है उससे ज़्यादा ही वर्क कर रहा होता है। तो कुल मिलाकर अगर इस बात को हम समअप करना चाहें तो समअप करने का पॉइंट ये है कि जो आपका हैंड नीचे है वो ज़्यादा वर्क कर रहा होता है और जो ऊपर वाला हैंड है वो सपोर्ट कर रहा होता है। इसीलिए अगर मान लीजिए आपका राइट नीचे है तो राइट वाली बाइसेप्स ज़्यादा एक्टिवेट होगी, अगर लेफ्ट आपका नीचे है तो आपकी लेफ्ट बाइसेप्स ज़्यादा एक्टिवेट होगी। इसीलिए आपको हैंड चेंज करने हैं ताकि आपकी दोनों बाइसेप्स इक्वली ग्रो हो पाए। इसमें आप देख रहे हैं ये बाइसेप्स, ट्राइसेप्स भी है इसमें, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, फोर आर्म्स और रिस्ट, सारी एक्सरसाइज है। और ये पकड़, मुट्ठी की जो पकड़ होती है ना वो भी बहुत मजबूत होगी। अब जैसे पकड़ोगे, ग्रिप पकड़ोगे बहुत ही ज़्यादा मजबूत होगी। पहले ऊपर, फिर उसी जितनी रिपीटेशन आप राइट हैंड से करोगे उतनी रिपीटेशन आप लेफ्ट हैंड से करोगे। आइए देखते हैं, 10 बार हम रिपीटेशन करते हैं, गुरु भाई मोनिश और मैं राइट हैंड से 10 बार करेंगे, उतना ही लेफ्ट हैंड से करेंगे। आप देखें, वॉच करें। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls, I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all. इसमें आप एक दो चीज़ और देखेंगे जो आप इसको करते रहेंगे। जैसे मान लीजिए आपने पहला रिपीटेशन करा और जैसे आपने 10 रिपीटेशन पहुँचे, तो आप ये भी देख रहे होंगे क्योंकि जो मुग्धर का हैंड है ना वो बिल्कुल पास होता है आपके, तो ये आपका चेस्ट का पोज भी होता है। तो उससे आप ये भी देख रहे होंगे इसे करते वक्त ना जो आपकी चेस्ट की मसल होती हैं वो भी आपकी खिंच रही होंगी, मतलब इससे आपकी चेस्ट की मसल पर भी असर पड़ रहा होगा। दूसरा, जब आप इसको ऊपर तक लेते हैं, नीचे आते हैं, तो आपकी जो शोल्डर की मसल होती हैं उस पर भी आपको काफ़ी असर पड़ता है। तो कुल मिलाकर ये आपको देखने में लग रहा होगा कि ये एक बाइसेप्स की एक्सरसाइज है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये बाइसेप्स की भी है क्योंकि हम मुट्ठी को बहुत टाइट पकड़ते हैं, तो आपकी फोर आर्म्स की भी है। और ये आपकी, जब आप इसको इस तरीके से आपके हाथ दोनों पास रहते हैं, तो आपने देखा होगा जो अक्सर बॉडी बिल्डर की पोजिंग करते हैं तो इस तरीके से अपने चेस्ट दिखाते हैं और आपका हाथ खुद इस तरीके से पास है, तो आपकी जो चेस्ट की मसल है वो ऑटोमेटिकली टाइट हो जाती है। तो इससे आपकी जो चेस्ट की मसल है उस पर ही फ़र्क पड़ रहा है। और क्योंकि जो वेट है वो नीचे की तरफ है, आप इस तरीके से उसको खींच रहे हो, तो उससे क्या, आपकी जो शोल्डर की मसल है उससे भी आपको फ़र्क पड़ता है। अभी हो सकता है आपके नहीं समझ में आ रहा हो कि भाई ऐसे कैसे फ़र्क पड़ रहा है, तो आप क्या करें, मुग्धर को हाथ में लें और जब इसको रिपीटेशन कर रहे हो तो खुद इसको देखें कि भाई कहाँ असर पड़ रहा है, खुद फील करें, चाहे आप आँख बंद करें या फिर अपना नोटिस करें, थोड़ा सा अपना एकांत में जाएं, मुग्धर को पकड़ें। और देखो ये ना करें, होता क्या है कि यूथ को एक बड़ी गंदी आदत पड़ी हुई है धीरे भाई, करते क्या है कि जैसे आपने देखा हो जिम में होते हैं या फिर जो करते रहते हैं या फिर आपने देखा हो सुबह लोग दौड़ भी लगाते रहते हैं जी, वही करते हैं, कान में लगाते हैं म्यूज़िक और फिर करते हैं। तो इससे क्या होता है, आपको हो सकता है आनंद आ रहा हो, लेकिन जो एक रिसर्चर बुद्धि होती है ना एक्सरसाइज करते वक्त, वो नहीं आ सकती है। मतलब आप कभी भी एक्सरसाइज की बारीकी नहीं पकड़ सकते अगर आप केवल म्यूजिक सुनते रहो, ध्यान नहीं लगा सकते कि कौन सी मसल किस समय क्या काम कर रही है, तो उस चीज़ पे ध्यान नहीं लगा सकते, तुम्हारा ध्यान म्यूजिक पे रहता है। तो कृपया करके मुग्धर की एक्सरसाइज करते समय म्यूजिक का उपयोग ना करें, कान में लगा के लीड, अक्सर लीड लगा के लोग करते हैं, वो चीज़ ना करें। मान लीजिए ये देखें मसल्स, कौन सी मसल्स काम कर रही है, जैसे हम मुग्धर को उठाते हैं कौन सी मसल्स काम कर रही है,
और उस पर ध्यान दीजिए, ना कि म्यूजिक पे। तो आपको कुल मिलाकर ध्यान ये रखना है कि म्यूजिक सुनते वक्त बिल्कुल ना करें, उससे क्या होगा, जैसे आपको बताया गया आपको रेंज ऑफ मोशन है, पहली बात तो आपको उस पर ध्यान नहीं होगा, मतलब मसल और माइंड पकड़ लेता है कि मेरे को मोशन क्या करना है, मेरे को नीचे लेके जाना है, ऊपर लाना, माइंड आपका पकड़ लेगा चाहे आप आँख बंद करते भी करते रहो। लेकिन उससे क्या होता है, जब आप कोई भी काम करते हो अगर आपका मन और चित्त एकाग्र नहीं है उस काम को करते वक्त, तो उस काम में रिजल्ट नहीं आता। जो एक बहुत एक कहते हैं ना, एक चैंपियन में और एक जो चैंपियन से कम होता है या फिर उससे नीचे वाले लेवल में होते हैं, उनमें फ़र्क यही होता है कि वो जो भी काम करता है उसको नोटिस करता है, उसको साक्षी भाव से देखता है कि हाँ मैं कर क्या रहा हूँ। तो इसलिए जब आप भी एक्सरसाइज करें तो म्यूज़िक को रखें दूर, थोड़ा एकांत में करें, एकांत मतलब कि अपना दिमाग वहाँ रखें जो एक्सरसाइज कर रहे हो, जो अभी आपको हमने बताया। तो उसमें क्या है कि आपको ये बिल्कुल समझ में आएगा कि भाई कैसे मेरी बाइसेप्स काम कर रही है, कैसे मेरी ट्राइसेप्स काम कर रही है, कि मेरा चेस्ट कैसे काम कर रहा है, मेरा शोल्डर कैसे काम कर रहा है। तो ये था इसका पूरा साइंस। अभी जब ये इस क्लास को हम यहीं ओवर करते हैं और इसी के साथ आप सभी से विदा लेना चाहूँगा। जय सत्यम सिद्धाय नमः, जय गुरुदेव।